अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनाटॉमी टॉम। एंड टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट्स इन कोविड-19। अगर इसके कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, देन कॉजेज, ट्रांसमिशन, सिम्टम्स, प्रिवेंशन, और उसके बाद रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इन कोविड-19, और उसके बाद रिहैबिलिटेशन ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। इस पर डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट ओपिनियंस हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि ये माउस से आया है, ये क्रोकोडाइल से इंसानों में मुंतकिल हुआ है, और बाज़ का मानना है कि बैट से इंसानों में आया है। बैट्स को वायरसेस का एक गढ़ समझा जाता है, क्योंकि पहले भी बैट से डिफरेंट वायरसेस इंसानों में आए हैं, जिनमें लिसा वायरसेस हैं जो कि रेबीज़ काज करते हैं, पैरामैक्सो वायरसेस हैं जो कि मिसल्स और मम्प्स की वजह बनते हैं, और फाइलो वायरसेस हैं जो कि हिमरेजिक फीवर की वजह बनते हैं, और बहुत सारे वायरसेस बैट से इंसानों में आए हैं। कोरोना वायरस भी एक ऐसा ही वायरस है जो कि बैट से इंसानों में मुंतकिल हुआ है। इसका आगाज़ चाइना के शहर वुहान से हुआ है। अगर कोरोना के काज की बात करें तो एक वायरल डिजीज़ है जो सार्स कोरोना वायरस 2 की वजह से होता है, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। 2002 में चाइना में सार्स कोरोना वायरस 1 की वजह से एक रिस्पायरेटरी डिजीज़ फैला था। सार्स कोरोना वायरस 2 को इसी वायरस की मॉडिफाइड फॉर्म समझा जा रहा है। अब अगर इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो ये पर्सन टू पर्सन फैलता है। लाइक अगर हम किसी से मिलते हैं या बाज़ार जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन करें, एटलीस्ट 6 फीट या 1 मीटर का डिस्टेंस ज़रूर रखें। और दूसरा, ये सरफेस से फैलता है। अगर कोई कोरोना वायरस के पेशेंट किसी चीज़ को टच करता है या कहीं पर काफ़ी स्नीज करता है तो वहाँ पर वायरस आ जाता है। तो प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील पर 72 आवर्स तक रहता है, कार्डबोर्ड्स पर 24 आवर्स तक रहता है। अगर कोरोना वायरस का पेशेंट एयर में काफ़ी स्नीज करता है तो एयर में वायरस आ जाता है, और एयर में 3 आवर्स तक वायरस रहता है। अगर वो एयर हम इनहेल कर लें तो हमें भी कोरोना वायरस होने के चांसेस हो जाते हैं। एसिम्प्टोमेटिक पीपल में वो लोग आते हैं जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं लेकिन उनमें अभी सिम्टम शो नहीं हुए होते, तो अगर हम उन लोगों से भी मिलें तो हमें भी कोरोना वायरस होने के चांसेस होते हैं। इसके सिम्टम्स में हाई फीवर होता है, टायर्डनेस या फटीग, कफ, स्नीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और मसल एक यानी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो वॉश योर हैंड विद एन अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र, सैनिटाइज़र से हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, एटलीस्ट 1 मीटर या 6 फीट का डिस्टेंस रखें, और कोशिश करें कि अपने माउथ, नोस या आइस को टच ना करें। अगर हमें कफ या स्नीज आती है तो बेंड एल्बो से माउथ को कवर करें, और अगर हमें सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो या हाई फीवर हो तो मेडिकल असिस्टेंस लें, और मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। अब हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इन कोविड-19, कि वो कौन से प्रोटोकॉल्स या टेक्निक्स हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ करते हैं कि कोविड-19 का पेशेंट नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाए। ट्रीटमेंट इन ICU, कोविड-19 के पेशेंट को सबसे पहले वेंटिलेटर पर रखा जाता है, तो जब वो सारा दिन बेड पर लेटा रहता है तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो जैसे उसके मसल कंट्रैक्चर्स बन जाते हैं, प्रेशर सोर्स बन जाते हैं, रेंज ऑफ मोशन उसकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, MMT ग्रेड उसका बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, इम्यूनिटी लेवल उसका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो एक्टिवली मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बना लेते हैं जिसमें हम पेशेंट का नेम, उसका ब्लड प्रेशर, उसका टेम्परेचर, उसकी रिस्पायरेटरी रेट, हार्ट रेट, MMT ग्रेड और रेंज ऑफ मोशन नोट कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास स्टीरॉयड्स का है। कोविड-19 के पेशेंट को डेक्सामेथासोन स्टीरॉयड दिया जाता है जो कि इनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास चेस्ट थेरेपी का है। कोविड-19 के जो पेशेंट होते हैं उनके लंग्स में स्पूटम की एक्युमुलेशन हो जाती है जिससे उन लंग्स के लोब्स क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। तो चेस्ट थेरेपी में हम हैंड से पेशेंट के चेस्ट पर क्लैप या वाइब्रेशन देते हैं जिससे कफ के ज़रिए स्पूटम जो होता है वो बाहर आ जाता है। तो चेस्ट थेरेपी से लंग्स की सफाई भी हो जाती है और लंग्स बेटर फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पोजीशनिंग है जिसमें पेशेंट को हम प्रोन पोजीशन में लाजमी लिटाते हैं 8 to 10 और उसको पैसिव मूवमेंट परफॉर्म करवाते हैं ताकि उसके रेंज ऑफ मोशन बेटर हो सके। इसके बाद हम सेकंड फेज़ की बात करते हैं। इसमें पेशेंट की कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो रही होती है, तो साथ ही उसके वाइटल्स की कंडीशन भी इम्प्रूव हो रही होती है जिसमें उसका ब्लड प्रेशर इम्प्रूव होता है, उसका रिस्पायरेटरी रेट बेटर हो रहा होता है, उसका MMT ग्रेड इंक्रीज़ होता है। लाइक अगर वो सेकेंड में था तो थर्ड में हो जाता है, थर्ड ग्रेड में था तो फोर्थ ग्रेड में आ जाता है। इसके अलावा उसकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ हो रही होती हैं।
ये हमारे पास एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बन रहा होता है, लाइक फर्स्ट डे हमारे पास पेशेंट इस कंडीशन में था और अब उसकी कंडीशन ये है, तो ये हम किसी को भी शो भी करवा सकते हैं। इसके अलावा सेकंड फेज़ में हम पेशेंट को वेंटिलेटर पर ही रखते हैं, उसकी चेस्ट थेरेपी करवाते हैं और अर्ली मोबिलाइजेशन स्टार्ट करवाते हैं। अगर तो वो एक्टिव मूवमेंट कर सकता है तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं कर सकता तो उसको इस फेज़ में भी पैसिव मूवमेंट ही करवाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर यूज़ करते हैं जो उसकी मसल्स को स्टिमुलेट करता है और मसल कंट्रैक्चर्स बनने से बचाता है। इसके बाद हम थर्ड फेज़ में आ जाते हैं। इसमें हमारे पास जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस रजिस्टर होता है उसमें पेशेंट की कंडीशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है, उसकी रेंज ऑफ मोशंस इम्प्रूव हो जाती हैं, उसका MMT ग्रेड बढ़ जाता है, उसका हार्ट रेट रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें हम उसकी एक्टिव मूवमेंट स्टार्ट करवा देते हैं, उसको एक्सरसाइज स्टार्ट करवा देते हैं, उसको वॉकिंग की तरफ ले आते हैं। इसके अलावा अगर कोई उसको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है तो साथ उसको भी मैनेज करते हैं, लाइक COVID-19 पेशेंट्स को मोस्टली को नमूनिया हो जाता है तो साथ उसको भी ट्रीट करेंगे। लास्ट में रिहैब ऑफ COVID-19 पेशेंट है, कोरोना वायरस के पेशेंट के रिकवर होने के बाद उसकी रिहैबिलिटेशन भी बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर किसी को रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स अभी भी हैं तो हम उसको रिकवर करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। इसके अलावा रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाएंगे, वॉकिंग करवाएंगे, स्ट्रेचिंग करवाएंगे क्वाड्रिसेप्स पर, हैमस्ट्रिंग्स पर। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे, लाइक साइकिलिंग या लाइट वेट लिफ्टिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा ICU से वापस आने के बाद पास पेशेंट्स को पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम हो जाता है तो उसको भी मैनेज करेंगे ताकि पेशेंट जल्द अज जल्द नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ सके। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर अंबर, डॉक्टर शराफत, डॉक्टर गासिफ, डॉक्टर सायरा एंड डॉक्टर तलहा फॉर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग मी टू क्रिएट दिस वीडियो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।